हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हुमान आप सभी का वेलकम करता हूं बीसीएन न्यूज चैनल में। आज नागपुर शहर में एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है, ऐसा धमाल होने जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा शो, एक ऐसा इवेंट जो पहली बार होगा जहां फैमिली, यंगस्टर्स, बच्चे, बूढ़े सब मौजूद होंगे। पहली बार नागपुर में होने जा रहा है ऐसा धमाल वाला इवेंट। होली का इवेंट है और हम सब जानते हैं होली में बहुत सारे कलर्स हम यूज करते हैं जिसकी वजह से चेहरे, बाल, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो एकदम नेचुरल कलर्स का खेला जाएगा, फूलों के साथ खेला जाएगा, मस्ती की जाएगी, जहाँ गेम्स होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, सब होगा। तो आज उस इवेंट की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। पहले तो डीजे मॉन्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डीजे इन इंडिया, आई कैन से दिस, क्योंकि अमेजिंग। आज जिस तरह आप तरक्की कर रहे हो, नागपुर का नाम रोशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वेलकम टू बीसीएन न्यूज चैनल सर। और मेरे साथ है एमजे डैनी, जो कि हम कह सकते हैं कि फिलहाल वो इस तरह अपनी सीढ़ियों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं कि पता ही चला कि एक लड़का जो पीछे से आया और इतना आगे निकल गया कि आज आसमान छुड़ा है अपनी एंकरिंग से। और आपको कौन नहीं जानता, बुगी बुगी विनर सचिन सर यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया है। वेलकम टू बीसीएन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं कि क्या खास होने वाला है मॉड्स इस इवेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नॉन लिकर इवेंट है, जो कि इससे इतने इसके पहले काफ़ी सारे इवेंट्स हो चुके हैं नागपुर में, जो कि पूरे लीकर, और बहुत से फैमिली इसे अलाउ, अपने पेरेंट अलाउ भी नहीं करते कि होली शो में जाने के लिए, कि ऐसे लीकर लड़ाई झगड़े होंगे या ऐसा कुछ चीज़ें होती है बहुत सारी। तो इसलिए हमने नॉन लीकर इवेंट पर इसमें प्लान किया, ताकि इसमें लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स और एक प्रॉपर वृंदावन स्टाइल होली रहे इसमें, जिसमें फूलों की हम होली खेल रहे हैं, एक डांस है इसमें ऑर्गेनिक, और डांस है सचिन सर का, और एमजे डैनी है हमारे साथ। और सिर्फ मैं नहीं कह सकता कि नागपुर की लड़कियां दीवानी, पूरी हिंदुस्तान की लड़कियां दीवानी। जब भी इनके शो इंडिया के बाहर भी होता है तो ऐसा लगता है कि नीचे कमेंट्स आते हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो मेरे साथ है एमजे डैनी, जो कि पूरा एंटरटेनमेंट का भार संभालने वाले हैं, पूरा इवेंट का दामोदर इनके ऊपर है, क्योंकि सारे गेम्स इनको खिलाने हैं, पूरे क्राउड को एंटरटेन करना है। तो क्या खास होने वाला है वहाँ पर? खास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वेल, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ, और सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल इंडियाज बिगेस्ट होली फेस्ट होने जा रहा है नागपुर में, और हम सब जो हैं इसमें हिस्सा है उसका। तो उसमें गेम्स कुछ इस तरह हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, और लठमार टिपिकल जो होली फेस्ट में होता है, लठमार जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में, और हाउजी गेम्स भी हैं, गेम्स के लिए भी हैं म्यूज़िक हाउजी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे कुछ एक्ट होंगे जो कि मैं वहाँ पे करवाऊँगा, तो वो सरप्राइज़ है, वो तो आपको वहाँ पे आके पता चलेगा। सो उसके लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। सब लोगों को मैं चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएँ, और हमने ये कोशिश की है इस इवेंट के ज़रिए कि होली जो है यादगार सालों साल, मतलब आप याद रखें कि हमने इस तरह की होली वहाँ पे सेलिब्रेट की। क्या बात है सचिन सर, पहला सवाल तो ये है कि हम वैसे ही बहुत खुश नसीब है कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हो, कि एक ऐसा शख्स जिन्होंने कई साल पहले वोगी वोगी में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया था, आज पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ आप क्या खास करने वाले हो, क्योंकि वृंदावन की होली वहाँ सेलिब्रेट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही प्योर और बहुत ही पवित्र होती है, हम सब जानते हैं, और पूरा हिंदुस्तान ऐसी होली देखने के लिए तरसता है। तो वहाँ क्या खास होने वाला है सर? हम लोग, मैं तो वहाँ पे कृष्ण के रूप में हूँ, और कृष्ण के रूप में ब्रिज की होली करने वाला हूँ। मेरे साथ में गोपियाँ वगैरह रहेंगी, मोर्स पंख वगैरह, काफ़ी सारा क्रॉप्स, हल्दी, और बहुत सारी मस्ती करने वाले हम लोग, और मुझे कठपुतली वगैरह डांसेस करना है, और ब्रिज की होली होंगी खास करके फूलों की, और जो काफ़ी नागपुर में वो फेमस होने वाली है भी, और पहली बार नागपुर में ऐसा इवेंट होने जा रहा है, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ प्रोग्राम से, इवेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आपके वहाँ कितने परफॉर्मेंस है, कितने एक्ट्स है? अभी मैं, हम कह नहीं सकते, चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, बारह भी हो सकते हैं, कुछ सरप्राइज है ऑडियंस, कुछ कुछ सरप्राइज भी ऑडियंस, और कुछ ये जो बार बार सरप्राइज बोल रहे हैं वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि चुपचाप पास पासेस खरीदो आप लोग, हम ऐसे नहीं बताएंगे, हमें अपना बिजनेस भी करना है। अच्छा मॉन्ट से बताइए कि ऑफकोर्स जब आप प्ले करते हो तो सारी दुनिया आपकी धुन पर नाचती है, तो ये इस बार तो वृंदावन की होली है, तो इस बार क्या डीजे मॉन्ट स्पेशल लाने वाला है अपने लिस्ट में? बेसिकली आप वृंदावन से होली है तो कुछ ट्रैक्स वैसे भी रहेंगे बॉलीवुड से रिलेटेड, और कुछ कृष्णा जी वाले जो एक्ट्स हो तो सर कर ही रहे, और बाकी हम लोग का ट्रैक लिस्ट अभी देखना पड़ेगा, अभी सब अभी से सब कुछ बता दूंगा, तब आप लोग आएंगे नहीं ना वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि बाकी इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं नागपुर में, होली के बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आपके इवेंट में क्या खास है, जो पब्लिक आपके इवेंट में है, जो क्राउड आपके इवेंट में है? देखिए, सबसे जो बाकी इवेंट्स हो रहे हैं वो शायद थीम बेस्ड होली हो रही है या बाकी चीज़ें हो रही है, हमारी प्रॉपर बॉलीवुड स्टाइल होली है, प्लस कृष्णा जी वाली होली है, वृंदावन स्टाइल, इसमें सब चीज़ जो देसी है, जो एक कल्चर से जो रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी हमारे होली इवेंट में।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारी दूसरी दूसरों से अलग इवेंट इसीलिए है क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी कुछ किसी भी तरह का नशा वगैरह नहीं है और नॉन लिकर है, सबसे अलग, और ये फैमिली इवेंट है। बच्चों के लिए भी हमने बहुत सारा एंटरटेनमेंट रखा है, गिफ्ट्स हैं जो कि हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो सारे जो हैं वहाँ पे गिफ्ट देंगे, सरप्राइज गिफ्ट है। पार्टनर्स की तरफ से गिफ्ट्स बटने वाले हैं और क्योंकि इन्होंने स्पॉन्सर दिया तो उनका भी नाम लेना जरूरी है। और हमारे जो प्रेजेंट वीवो ने भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स वहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि जैसे इन्होंने कहा कि नॉन लिकर इवेंट है, नशा नहीं है। होली में सबसे ज्यादा डर परिवार वालों को ही लगता है कि हमारे बच्चे कोई इवेंट में जा रहे हैं तो वो सेफ है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ नशा ना होगा वहाँ ऑफकोर्स बच्चे सेफ हो गए और फैमिली भी सेफ रहेगी, क्योंकि फैमिली क्राउड भी आ रहा है वहाँ पर। और हमने सबसे ज्यादा सेफ्टी पे ही ध्यान दिया है, सबसे पहली चीज। और हम लोग को ऐसे कॉल्स भी काफी सारे आते हैं कि इसमें आप भांग रख रहे हैं या कुछ और। हम लोग भांग या कोई भी चीज नहीं रख रहे, हम लोग ठंडा ही रख रहे हैं। क्या बात है, ठंडा ही या कुछ ऐसे, और बाकी तो खाने पीने की चीजें है। तो वहाँ सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब वहाँ खाना अवेलेबल है, वहाँ ठंडाई अवेलेबल है, लेकिन लिकर अवेलेबल नहीं है। पहले बता दूं, ये बिल्कुल फैमिली शो है, फैमिली एंटरटेनमेंट चलने वाला है, फुल धमाल होने वाला है। तो अगर आपको ये पासेस खरीदना है तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या तो यहाँ फ्लायर है जो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ सुरक्षा की बात होती है, जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यहाँ उस इवेंट में पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते, क्योंकि अभी हम नागपुर की जनता से भी इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए, तो आप जाते जाते नागपुर के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? सो बस यही अब मेरा लास्ट, अभी आपसे एक ही अपील है कि आप लोग को आना है 8th of March को, जो कि प्री होली बैच है, जो हो रहा है 10 हिब्बो में, अमरावती रोड, गोंडखेरी। तो वहाँ आपको आना ही आना है 8th of March, सुबह 10 बजे से इवेंट स्टार्ट हो रहा है, शाम 6 बजे तक। बिल्कुल। सो वीवो प्रेजेंट्स कलर्स ऑफ एशिया बिगेस्ट होली फेस्ट, इस बार नागपुर में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि खास बात यह है कि द सीबो की ये खास बात यह है कि पूल रेस्टोरेंट है और आपको पूल का भी मज़ा मिलेगा और रेन डांस और पूल पार्टी और बहुत सारी चीज़ें हैं। और डीजे मॉन्स तो हमारे साथ है ही, जब बजाएंगे तो सबको नचाएंगे और हम सब मिलके मचाएंगे। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग हैं नागपुर के, सारे लोग विद फैमिली आइए, बच्चों को भी लेकर आइए और वहाँ पे एंजॉय कीजिए। आप सभी आइए 8 तारीख को, तसीबो में बहुत पहली बार पूल पार्टी हो रही है और कृष्ण का पहली बार वहाँ पे ऐसा एक मौसम बनने वाला है कि बहुत सारे ज़्यादा लोग डांस करेंगे, मस्ती होंगी। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, नागपुर के सभी लोग आए। इस बार सिर्फ होली नहीं होने वाली बल्कि धमाल होने वाला है, एंटरटेनमेंट होने वाला है और आपकी फैमिली और आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा क्योंकि वहां सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। कोई नशा नहीं है, कोई लिकर नहीं है, पूरा फैमिली शो है, पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट है। तो भाई ये चीज को बिल्कुल मिस मत कीजिए। 8 तारीख को होने जा रही है होली पार्टी, तो वहां जरूर आइए। मैं मान यहां से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।